नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली खबर। अब मुंबई में बनेगी बाबा साहब की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। हम आपको बता दें कि मुंबई के दादर में लगने वाला है, इंदू परिसर में लगने के वाली है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा। निर्माण काम का महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्म श्री राम सुधार को सौंपा है। हम आपको यहाँ पर बता दें कि बाबा साहब की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा 250 फीट की ऊंची दुनिया में अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, जिसे 2 साल में तैयार किया जाएगा। मशहूर शिल्पकार राम सुथार के स्टूडियो में किया जाएगा। यह मूर्ति का साचा चीन में तैयार किया जाएगा। इस परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 25 फुट की प्रतिमा और भी लगेगी। हम आपको बता दें कि मूर्ति का निर्माण राम सुधार कर रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार मुंबई दादर में स्थित शिवाजी पार्क के इंदू मिल की जमीन पे लगभग 425 करोड़ की लागत से अम्बेडकर स्मारक का निर्माण करा रही है। 14 अप्रैल 2020 तक स्मारक का काम पूरा होने की आशंका है। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, तो यह कार्य 2015 से नरेंद्र मोदी के स्मारक का मूर्ति पूजन किया जा चुका है। ये जमीन पहले केंद्र सरकार के पास थी। पिछले साल केंद्र सरकार ने ये जमीन महाराष्ट्र सरकार की हस्ताक्षर कर दी थी। 6 दिसंबर 1956 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिणाम दिवस दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनका अंतिम संस्कार मुंबई में समुद्र तट के किनारे किया गया था। यहाँ एक स्मारक है जिसे चैतन्य भूमि कहते हैं। इसी के बगल में इंदू मिल है। यहाँ काफी समय से डॉक्टर अम्बेडकर की स्मारक बनाने की मांग होती रही है। यहाँ की जो जमीन है वो मुंबई सरकार को मिल गई है और यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर का स्मारक बनाने का निर्णय हुआ है। मूर्ति को 100 फीट ऊंचे फेस पर रखा जाएगा। जमीन तल से मूर्ति की ऊंचाई 350 फीट की लगभग होगी। यह दुनिया की अब तक की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची और खूबसूरत प्रतिमा होगी। इसका डिजाइन संसद भवन में लगे अम्बेडकर प्रतिमा की तरह होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मिशन की मूर्ति पूरे देश पूरी दुनिया में जा सके। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।